यहाँ कैबेज और ये रहे नूडल्स। तो देरी किस बात की, चलिए बनाते हैं। आज के केक ऑर्डर्स कंप्लीट करने के बाद मैंने घर में सबको कहा था कि मैं आप सबको चाउमीन बना के खिलाऊंगी, क्योंकि मेरे मम्मी पापा है ना, वो बाहर का कभी कुछ भी नहीं खाते और ना ही बाहर कभी जाते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा टाइम निकाल कर उनके लिए कुछ ना कुछ एक दो दिन में बनाऊंगी। जिंजर गार्लिक पेस्ट मैं जब भी ऑयल में डालती हूँ ना, ये क्रोधित हो जाता है और बहुत चटर पटर करता है। ऐसे मैंने नूडल्स के पैकेट मंगा लिए थे, तो इस बार के नूडल्स ना बहुत ही ज्यादा पतले, मतलब हर बार से भी ज्यादा। बॉइल करने के बाद ना मैं बहुत टेंशन में आ गई थी यार, सब चिपक तो नहीं जाएंगे। पर मैंने कैप्सिकम, कैरेट, कैबेज और अनियन को स्लाइसली चॉप कर दिया, तेल में तड़का लगाया, जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला, हरी मिर्च डाला, थोड़ा सा अजिनो मोटो डाला और सारी वेजिटेबल्स डाल दिया, फिर सॉसेस डाल दिए और फिर नूडल्स डाल दिए। सॉस और विनेगर थोड़ा सा संभाल कर डाला, वरना बहुत खट्टे हो जाएंगे नूडल्स। यहाँ पर नूडल्स बहुत 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 यम्मी बने थे। आप सब भी खाओ, पियो, एंजॉय करो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ जल्दी एक नई रेसिपी के साथ, केक डेकोरेशन के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।